हरे कृष्णा माई हम ओबी सेंसेस टू ऑल द वोटीज़ तो एक बुक्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रही हूँ कि कितना मैजिकल एक्सपीरियंस है ये प्रभु जी का मेरे पास कॉल आया तो उन्होंने कहा माता जी यू मस्ट ट्राई फॉर फिफ्टीन सेट्स तो एक बार तो सुनकर मैं दंग रह गई क्योंकि एक नहीं तो मैंने कहा सोचा था दो नहीं तो बहुत हो गया तो तीन सेट्स बट फिफ्टीन सेट्स के बारे में तो बिल्कुल मैं सोच नहीं पा रही थी बट तभी मुझे एक वीडियो से एक बहुत सुंदर बात याद आई जो मैंने देखी थी तो उसमें माता जी कह रही थी कि हमें अपना पूरा प्रयास करना है और कोई सेट अगर निकल जाए तो ये श्री प्रभुपात की कृपा है तो इसी कॉन्शियसनेस के साथ मैंने प्रयास करना आरंभ किया और जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे जैसे कि फ़ोन कॉलिंग करना पर्सनल विजिट्स भी जहाँ तक पॉसिबल थी व्हाट्सएप मैसेजेज़ के थ्रू और जूम मीटिंग्स के थ्रू इवन एक छोटा सा होम प्रोग्राम भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया अपनी सोसाइटी की लेडीज़ के लिए तो सबसे पहला सेट तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को ही गिफ्ट किया एक शुभारम्भ करने के लिए और वो मैं बहुत खुश हूँ कि वो पढ़ रही हैं आज उसे और बहुत लाभ पा रही हैं उसके बाद एक एक ऐसे लेडी से मैं एसोसिएटेड हूँ जो कि हमेशा ऐसे कामों के लिए खुद ही तत्पर रहती हैं तो उन्होंने भी तुरंत दो भागवतम सेट्स जो हैं वो स्पॉन्सर किए उसके बाद एक अपनी सोसाइटी में लेडी से मिली जो तो कुछ परेशान थी तब मैंने उन्हें ग्लोरीज़ बताई श्रीमद भागवतम की कि किस प्रकार भागोत्तम पढ़ने से हमारे भौतिक कष्टों के साथ साथ हमारे आध्यात्मिक जीवन का भी उद्धार होता है तो उन्होंने भी तुरंत एक सेट लिया और इंस्टॉलेशन करवाई बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो उसके बाद जो हुआ एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरी एक हाल ही में एक कजन की डेथ हुई और वो भी डिवोटी थे और उनके लिए हम लोगों ने एक प्रार्थना सभा आयोजन किया करीब तेरह चौदह दिन हम लोग रोज़ मिलते रहे जूम मीटिंग पे सारी फ़ैमिली और उसमें मुझे आ, मौका मिला कीर्तन करने का और एक दिन मौका मिला कुछ कहने का तो मैंने एक प्रेजेंटेशन के ज़रिए भागवतम की ग्लोरी सबको बताने की कोशिश की कि किस प्रकार आ, जो है भागवतम हमारा उद्धार कर सकती है तो उनके एक मामा जी जो यूएस में रहते हैं वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक नहीं पूरे चार भागवतम सेट स्पॉन्सर किए जबकि उस कॉन्शियसनेस के साथ मैंने वो प्रयास किया भी नहीं था तब तो मुझे ये चीज़ बहुत रियलाइज़ हुई अच्छे से कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई भक्त भग तो भगवान से जुड़ने के लिए बहुत ललायत है और अगर हमें उसमें एक लिंक बनने का मौका मिलता है तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं तो हम इस कॉन्शियसनेस से जाएँ कि सिर्फ टारगेट नहीं पूरा करना है बल्कि किसी भक्त को भगवान से जुड़ना है और एक बात और रियलाइज़ हुई उन्होंने ये भी बताया कि वो इस कॉन से पहले कुछ काफ़ी समय पहले एसोसिएटेड रहे लेकिन किसी वजह से फॉल आउट हुआ और वो डिस्कनेक्ट हो गए पर वो फिर से शायद जुड़ना चाह रहे तो उन्होंने कहा कि शायद आपके ज़रिए हम दोबारा जुड़ पाए इस सेवा में तो तब मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि अगर कोई सेट निकलता भी है तो उसमें हमें खुद क्रेडिट नहीं लेना चाहिए क्योंकि पता नहीं कितने और भक्तों का प्रयास उसके पीछे है तो ये तो सिर्फ शिला प्रभुपात की कृपा है तो ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा